अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम केज कंप्लीट करने लगे हैं सील का। तो यार हमारे पास तार छोटी थी, इस जगह पर नहीं लगनी थी, तो हमने ये केज के अंदर मशीन उतार के वहाँ पे लगा दिया। तो हम ड्रिल के साथ सुराख करेंगे, फट्टी लगाएंगे इस जगह पर जिस जगह पर दरवाज़ा लगाना है। तो ये दरवाज़ा भी आ गया और ये सारा सामान पड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पर शॉपर भी हम ले आए हैं ऊपर डालने के लिए, और यहाँ पर बरीक बजरी भी ले आए हैं जो इसके ऊपर डालनी है हमने। तो आतिफ भाई शुरू करते हैं। हाँ जी शुरू करते हैं। आज हमने मुकम्मल केज तैयार कर देना है, आज मुकम्मल कर देना है। इसके नीचे मट्टी भी डाल देनी है, तूड़ी और तो वगैरह भी डाल देनी है, छत भी डाल देनी है, सारा मुकम्मल ए टू जेड। क्या तो वो पड़ी है सामने, ये नीचे पड़ी हुई इसके। ये वाली फट्टी जो है हम लगाएंगे दरवाजे के पीछे जिसमें कब्जा लगाना है। तो आतिफ भाई लेकर आगे आ रही, तो इसको नाप लेते हैं यहाँ पे रख के नीचे से काट लेते ना पहले, इतना में काटना पड़ेगा। तो यार आती फिर काम देखो, पहले सही तरीके से लगा लो आरी को, फिर काटना, फटी तोड़ ना देना। तो यार हमने ये वाला कब्जे लगाने हमारे पास पड़ रहे थे पहले से घर के, तो ये वाला काम कर रहा है। ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये काम ही नहीं करता। एक लगा के देखते हैं, एक ही लगा लेते हैं, एक लगा के देखते हैं। अगर हमारा दरवाज़ा जो है सही से फिट आ गया तो ये एक ही चलेगा, या फिर ये वाला छोटा सा इसमें सुराख करके साथ लगा देंगे इसको। आती भाई हमारे पीछे ना उड़ जाए ड्रिल के शोर से, पता चल गया उनको हमारे घर का। हाँ ये तो है घर का पता है, थोड़ा सा उड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं। आज हमने चारों लक्के निकाले हैं और तीन बच्चे जो हैं वो सारे निकाले हैं बाहर। यार आती भाई लाइट बंद हो गई है लगता है, मुझे लाइट बंद हो गई, चल नहीं रही, पहले चल रही थी बस फिर लाइट बंद हो गई है। अब नीचे से देख कर आता हूँ मैं। 200 सुराख करने लगा था ड्रिल के साथ और लाइट बंद हो गई। आती भाई इसको चलाना आई है कि नहीं? नहीं आई है, ध्यान से तार को पीछे कर लो। तो यार लाइट हमारी बंद हो गई, अब जब आती है तो फिर हम सुराख करते हैं। यार हम उतनी देर में ना बजरी वाला मसाला बना लेते हैं जो छत पे डालना है, सिर्फ मिक्स करना है। आती भाई पानी नहीं डालना, पानी उस पर डालेंगे जब हमने ऊपर लगाना है। ज़्यादा भारी बजरी नहीं लेकर आई, ये बारीक सी बजरी है, ये वाली बहुत अच्छी रहेगी मिक्स करके, इसकी स्लैब बन जाएगी ऊपर छत के। दोस्तों हमारी चिक्स देखें कैसे बैठे हुए हैं, जैसे अभी अभी मर गई। ये बड़े वाले के देखो कैसे बैठा हुआ है, ये देखें अपने जिसम को नीचे लगा के धूप ले रहे हैं। हमने एक रेत का बाटा डाला और एक बजरी का डाला है। तो आतिफ भाई मुझे लगता है कि पूरा आ जाएगा, काफ़ी है आ जाएगा, क्योंकि 3 फुट का थोड़ा सा बड़ा है, 2-3 इंच बड़ा है, आ जाएगा। यार 5 कांडियाँ हमने सीमेंट की डाली हैं तो इसके लिए बहुत है मेरे ख्याल से। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, जब हम दरवाज़ा लगा देंगे फट्टियों ऊपर लगा देंगे फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। दोस्तों लाइट आ गई है तो हम लगाने लगे हैं सुराख ड्रिल के साथ। तो ये देखिए आतिफ चला के दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसको पकड़ो आतिफ भाई, ऐसे इस जगह पे हमने ऐसे लगा देनी है। यार हमने ये चीज़ बनाई, आतिफ भाई आ रहा, फिक्स आ रहा है, तो नीचे करो इसको, पीछे हो जाओ साइड पे हो ना। तो ये देखें ये वाली चीज़ हम बनाई है, यहाँ पे हम कील लगा देंगे एक और इस जगह पे दो लकड़ी हमने लगा दी है, उम्मीद है कि अब गिरेगा नहीं। ये देखें इस जगह पे हमने दो कील लगा के लगा दी है और ये अब टाइट है। ये हमने ऐसे फटी रखी है तो ऐसे ही हमने रखते जाना है। निशान भाई कितने हमने बड़े कील लगाए हैं, नहीं गिरते ये, वैसे बड़े कील लगाए हैं नहीं गिरते। तो ये भी तो देखो ना हमने वजन कितना डालना है, वजन भी बहुत डालना है, क्योंकि बजरी का हमने लेप करना है ऊपर, ऊपर से और ये बालों का वजन बहुत है, फटे बहुत भारी हैं। तो दोस्तों ये देखें हम नया शापर लेकर आए हैं, ये शापर को पार रहा है। दोस्तों हमारा नुकसान हो गया, ये देखें डक्की ठोक रहा था, ये ईंट ऊपर वाली सेपरेट हो गई है दीवार से। तो यार इसको सीमेंट दोबारा लगा के फिर लगा देंगे। दोस्तों एक और काम ख़राब हो गया, ये देखें यहाँ पे हमने कील लगाया तो कील जो है वो डक्की के अंदर नहीं गया, साइड पे चला गया। तो यहाँ पर ये देखें ये वाली उतर गई है हमारी ईंट की, तो यहाँ पे अब मसाला लगाना पड़ेगा हमें तेज़। यार दोस्तों ये देखें हमारी दीवार गिर गई है। यार क्या करें, सिंगल दरवाजा थी तो गिर गई थी, हमने सोचा कि ये हमारा दरवाज़ा नहीं आ रहा था पूरा, यहाँ पर लगता था इस दीवार के साथ, तो हमने सोचा ये वाली ब्रेक फटी लगाते हैं, ये सामने नीचे पड़ी है ये वाली, तो हम कील उखाड़ रहे थे यहाँ से सारी दीवार गिर गई। इतना बड़ा कील था, ये देखें ये स्टील वाला कील है, टेढ़ा भी हो गया। तो अब हम इसको फिक्स करके फिर आपको मिलते हैं। दोस्तों हम कोई और तरीके से करने लगे हैं, ये वाली दीवार अब हमने नहीं बनानी, क्योंकि इसको बनाएंगे तो फिर टाइम लगेगा इसको सूखने में। तो हम यही वाली फट्टी जो है इसको दीवार के साथ लगा देंगे ऐसे, फिर उसके साथ दरवाजा लगा देंगे। यार ये देखो इनका केज वो वाला है और ये इसमें जा रहा है इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर आ गई है फीमेल, तो यहाँ पे चूजे भी बैठे हुए हैं। आतिफ भाई वो देखो दोनों उसके अंदर चले गए, वो बाहर आओगे, इनको इनके केज में छोड़ो, निकलो निकलो बाहर, देखिए खुद आता है, खुद ही आएगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। यार दोस्तों ये देखे पायलट के काम देखे,
वो इतना भरा पड़ा है दाने वाला, यहाँ पर रोटी के भी बोरे डाले हुए हैं, तो इसके अंदर जाके खा रहे हैं। यार आज हम इनके लिए ये गंदम भी लेकर आए हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। दोस्तों हमने ये देखें यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कील लगाया एक, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, दो इधर लगा दिए हैं, ये फट्टी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और हमने छोटे कब्जे लेकर आए थे हम दोबारा जाके बाजार से, ये लगा दिए, वो बड़े वाला नहीं लगाया हमने, एक ये लगा दिया और एक इस जगह पे लगा दिया। ये काफ़ी बड़ा था ये भाई। बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक ही था हमारे पास, सही बारी भी ज़्यादा है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा। अब हम दरवाज़ा फिक्स करने लगे हैं, ये हमने सुराख निकाली है ड्रिल के साथ, फिर नीचे लगेगी एक लकड़ी, यहाँ पे एक छोटी सी दीवार खड़ी करनी है, जैसे इस जगह पे थी जो गिर गई थी हमारी, वो अब हमने इस जगह पे कर देनी है ऐसे ईंट लगा के। तो आती भाई अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, कैमरा एक साइड पर रखते हैं। यार दोस्तों आज का दिन बहुत ही अजीब सा है हमारे साथ, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है कभी कोई चीज़। तो अब हमने फाइनली ये देखें ये वाला कोला लगा लिया है और दरवाज़ा बंद करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल अब सही से हमने लगा लिया दरवाज़ा। तो ये वाली फट्टी आती भाई कहाँ पे है, ये वाली फट्टी जो है ना इसके नीचे हमने लगानी है, ऐसे हमने लगा देनी है फट्टी और दरवाज़ा अब सही से बंद हो रहा है। तो यार काफी टाइम हो गया केज की, हम छत डालने लगे हैं। आती भाई फट्टे रखो इसके ऊपर, बड़े आराम से रखना, बस ये वाली दीवार को बचाना है आपने। आ जाएंगे। ये एक फट्टा रह गया हमारे पास, अब ये देखते हैं पूरा आएगा कि नहीं। बस इस वाली दीवार को आती भाई ध्यान से, तो हमारे पास ये शैतान आ गया था, ये दीवार गिराने लगा था, बड़ी मुश्किल से बची, जैसे लहराम ने हाथ रख दिया था ऐसे। ये देखें यार कमाल की छत डली है यार, ये क्या, ये तो क्या करना है, फट्टी लग सकती है। हाँ ईशान भाई अब देखो अब ठीक है, अब सही है यार, ये थोड़ी थोड़ी हमने स्पेस डाल दी है यार, कंक्रीट नीचे तो नहीं जाएगा यहाँ से। ईशान भाई कंक्रीट नीचे नहीं जाएगा, ये देखो दरवाजा भी पूरा फिट आ गया, दरवाजा भी पूरा फिट आ गया, पहले दरवाजे के ऊपर स्पेस आ रही थी। अब हम छत डालने लगे हैं, तो ये छापर लगा रहे हैं इसके ऊपर, छापर थोड़ा सा बड़ा है, साइड से काट देंगे। बाती भाई थोड़ा सा दीवार के ऊपर चढ़ा दो छापर को, और चढ़ा दो, काफी ज्यादा छापर इधर भी ज्यादा है उधर भी ज्यादा है। तो यार हमारा आती भाई मुर्गी काम आ गया, मुर्गी नहीं आई, मुर्गी बनाई पीटी मास्टर वो बाहर वाजे नहीं कर रही है, जाओ उसको लेकर आओ। कहाँ पर है वो देखो यार, मुर्गी हमारी नीचे छोड़ा है। आती भाई इधर दीवार के साथ लगा लो, आराम से पकड़ लो दीवार के साथ लगा के, या फिर ऐसे ले जाओ अंदर, ऐसे ही आ जाएगी अंदर। तो यार ये देखो आती भाग रहा है यार, मुर्गा लेकर आए और नहीं आने यार, रहने दो। तो सुन भाई मुर्गा ले जाओ यार नीचे, मुर्गा उठा के ले जाओ फिर आएगी। ये देखो कितना बेवफा हो गया, उसको नीचे छोड़ा है। तो ये देखें यार आती हुई को तंग कर रही है, क्या बोल रही है, आ नहीं रही। तो वो मुर्गा लेकर आ रहा है, मुर्गा लेकर आ रहा है, फिर इसको पकड़ लेना। पकड़ ली यार, हसन भाई ने पकड़ ली मुर्गा दिखा के। तो यार ये जब से आए हैं तो ये पहली बार हुआ है कि मुर्गा अकेला घर आ गया और मुर्गी जो है बाहर छोड़ा है। यार हम अपना काम कर रहे हैं तो इनको ये देखो मसाज की पड़ी है, चलो यहाँ से निकलो मैं काम कर रहा हूँ, काम करके फिर आना। दोस्तों हमने बनेरा बांध दिया, पहले हमने यहाँ पे पाइप का भी रास्ता नहीं छोड़ा था, दोबारा ईंट उखाड़ के दोबारा छोड़ा है। कील लगा रहे हैं साइडों पे, छापर साइड पे लगा रहे, तो हम इसके ऊपर कंक्रीट भरते हैं अभी। आती भाई जल्दी करो यार, ये देखो सूरज कहाँ पे चला गया, वो यार व्यू चेक करो काफ़ी प्यारा। तो जल्दी करो जल्दी। तो हसन भाई आप ऐसा करो हमारे पिजन्स को दाना पानी दे दो, पानी वो गैलन में नया भर दो,
और दाना डाल के दोनों कनालियों में अंदर रख देना, ठीक है। हमसे ना आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज थोड़ी सी देर हो गई है। चलो आती भाई फेंक दो, वो कॉर्नर पे फेंकना। तो यार इधर देखो, ओ भाई इधर आओ, ये आती भाई इसने दाना देखो कितना ज्यादा डाल, थोड़ा डालना है इधर डालो इसके अंदर, मैं आपको आपको मैं बताता हूँ कितना डालना है। ये देखो हम ये डालते हैं, प्लास्टिक वाली बोतल काट के रखी है, ये बड़ी वाली में हमने बड़ी वाली वो वाली है। चलो ठीक है, इधर डाल देते थोड़ा सा, तो यहाँ पर डाल देते हैं हमने तो इतना ज़्यादा डाल दिया, अपने पिजन ना समझो यार, इसके बाद 70-80 इतनी है तकरीबन, इतने ज़्यादा पिजन है ये अपने समझ रहा है। यार रजानें शुरू हो गई हैं तो हमारा काम बीच में, ये गरमाला लो इससे करो, ये देखो, ये देखो यार बड़ा कमाल का, ये देखो ऐसे ही कांडी से लगे हुए तुम। दोस्तों कल जो हसन पिजन लेकर गया था मुझसे, हिराजी जो फीमेल थी ब्लैक कलर की, यार उससे उड़ गई थी, तो जिनसे मैंने कहा था ना ली थी उनके घर फिर आ गई, तो अब वो कह रहे हैं यार यहाँ पे आपका पिजन आया है वो ले जाओ, तो उन्होंने अपना केज जो है वो ख़त्म कर दिया, अब वो मुझे बुला रहा है मैं जाके लेकर आता। तो यार ये देखें कहाँ पे था, तो यार ये देखो वीडियो में आने से शर्मा रहा है, तो ये पिजन दे दिया मिल गया, इनके केज में था ये, केज ख़त्म कर रहे हैं और इसके पाँव के नीचे आने लगा था, बच गया। तो यार ये देखो आतिफ भाई, मैंने कहा था ना हसन को कि इसको ना उड़ाना, ये उनके घर आ जाएगा, उनके घर आ गया फिर हाँ भी। पकड़ो इसको यार, बहुत समझदार है ये यार, वो केज ख़त्म कर रहे हैं आज ही कर रहे थे, तो वो कह रहा है मैं केज की ईंटें उतार रहा था, फटियाँ जैसे गिरी ये उसके नीचे बैठा हुआ था, तो मेरा पाँव आने लगा, बहुत मुश्किल से बचा है। दोस्तों कल रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ना ही वीडियो का रिजल्ट आ रहा था, तो हमने काम बंद कर दिया था, बल्कि वीडियो बंद कर दी थी, काम शुरू जारी रखा था हमने। तो यहाँ पर फिर दोबारा हमने यहाँ पर मसाला डाला, ये जगह ऊँची की थी, अब उन्हें आगे बताया कि ये नीची है आपकी जगह, मुकम्मल कर लिया था। तो आतिफ भाई पानी डालकर देखो लेवल ठीक है हमारा, वो पीछे डालना पानी, यहाँ पर पानी डाल के देखते हैं पानी आता है भाई को पीने। तो दोस्तों यहाँ से देखे हमारी जगह जो है ऊंची होने वाली है, अब हम केज को सूखने देंगे, फिर इसको कुंडी लगाएंगे, उसके बाद इसमें तो वगैरह रखेंगे, फिर हम बिठाएंगे मुर्गी को अंडों पे। तो आतिफ भाई हमारे 14 अंडे हो गए हैं, 14 अंडे हो गए हैं, बस अनकरीब हम मुर्गी को बिठाने लगे हैं, अनकरीब इंशाल्लाह ये बस सूख जाए जल्दी से, सारा सूख जाए मुकम्मल, तो इसके अंदर मुर्गी बिठा देनी है। मैं अंदर से आपको छत दिखाता हूँ, ये देखें कहीं से भी छत जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सही डल गई है। तो यहाँ पर ये देखें काफ़ी जगह है मुर्गी के बैठने की। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।